क्या रूट कैनाल करने के बाद कैप लगवाना जरूरी होता है? मतलब कि आपने अगर रूट कैनाल करा लिया है दांत में और उसके बाद अगर आपके डेंटिस्ट बोलते हैं कि आपको डेंटल क्राउन दैट मीन्स की डेंटल कैप आपको जाना है दांत में, तो क्या वो जरूरी होता है या फिर आप उसे नहीं लगवा सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे कि कैप क्यों ज़रूरी होता है या फिर ज़रूरी नहीं होता है रूट कैनाल करवाने के बाद, या फिर आप वो दांत को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, और मेरे जो वीडियोज़ हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मुझसे अगर कंसल्टेशन करना है आप कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेबल है, फ्री नहीं है, और अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आपने दांत में रूट कैनाल करवा लिया और उसके बाद अगर आप डेंटल क्राउन मतलब कि दांत के ऊपर जो हम कैप लगाते हैं वो आपको नहीं जाना है, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? तो अगर आपने रूट कैनाल करा लिया और आपको कैप नहीं लगवाना है, तो उस केस में जो फ़ायदा है वो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही होते हैं। क्योंकि अगर आपने दांत में कैप नहीं लगवाया तो बहुत चांसेस होता है कि आपका जो दांत है वो टूट जाता है। कभी कभी ये 6 महीने पे भी टूटता है, कभी 1 साल में टूट जाता है। क्योंकि जब हम रूट कैनाल करते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल जो दांतों के अंदर जो नसें होती हैं उसको निकाल देते हैं, जिससे दांत को खून जहाँ से नर्व सप्लाई से आपको जो दांत रहता है उसको वहाँ से ही उसका मेन जो आपको बोल सकते हैं कि दांत को ठंडा गरम लगता है या फिर सेंसिटिविटी आपको फील होती है, तो वो जो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं दांत के अंदर उसके वजह से ही आपको दांत में ठंडा और गरम फील होता है, उस नसों की वजह से ही होता है। और एक बार अगर हमने वो नस को निकाल दिया तो उससे क्या होगा कि आपको डेफिनेटली पेन तो नहीं होगा, क्योंकि रूट कैनाल हम इसीलिए करते हैं कि आपका जो पेन है वो शांत हो जाए। पर अगर आपने उसके ऊपर कैप नहीं लगवाया तो बहुत चांसेस होता है कि आपका जो दांत है वो टूट जाता है। किसी किसी केस में जो दांत का साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उस केस में हम क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर करके हम कैप दे देते हैं। बट किसी केस में इतना ज़्यादा छोटा होता है या फिर बहुत ज़्यादा दांत घिसा हुआ रहता है, अट्रिशन रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा घिस गया है ऊपर से, तो उस केस में हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप जो है सिरेमिक फिलिंग, कॉम्पोजिट फिलिंग करा लीजिए, ताकि जो आपका दांत का स्ट्रेंथ है वो मजबूत रहे। पर अगर सपोज आपको अगर आपका दांत सही है, उसकी हाइट सही है, तो गो फॉर दी डेंटल क्राउन, आप कैप के लिए जाइए। क्योंकि अगर आप कैप नहीं जाते हैं तो आपका जो दांत है वो कि टूटने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि जब हम नसें निकाल देते हैं तो आपका जो दांत है वो ड्राई हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। जो आपका दांत है, रूट्स हैं, वो तो आपके मसूड़े के अंदर है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो ऊपर का पोर्शन होता है, क्राउन पोर्शन होता है जो हमें दिखता है, वो ड्राई होता है, तो फिर आपको जो दांत है वो ब्रिटल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए आपको वहाँ पे डेंटल क्राउन जाना होता है। क्राउन्स जो होते हैं वो आपके ऊपर चॉइसेस होती हैं, आपको कौन से क्राउन्स लगाने हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा जरकून कैप के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि जो जरकून कैप काफ़ी सेफ कैप होता है, साथ में वो MRI सेफ भी होता है, और उसकी जो बॉन्डिंग होती है, और जैसे आप जरकून कैप देख रहे हैं और आपका जो दांत रहता है और बीच में जो हम सीमेंट से दांत जो आपका डेंटल कैप होता है वो जब हम चिपकाते हैं तो काफ़ी अच्छी उसकी बॉन्डिंग होती है, वो इतना जल्दी नहीं निकलता है।
जैसे कि आपका नॉर्मल कैप्स होते हैं जो कि आपका PFM कैप्स होते हैं, पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल कैप्स होते हैं, मतलब कि अंदर में मेटल होता है और ऊपर में पोर्सलिन से दो अलग अलग मेटल को वो फ्यूज करके बनाते हैं, जिससे कि जो मेटल बॉन्डिंग और आपकी जो दांत की बॉन्डिंग रहती है उतना ज़्यादा सही नहीं रहती, या फिर आपका कैसे होता है कि आपका फेसिंग निकल जाता है, आपका सिरेमिक पोर्शन भी चिप ऑफ होने का चांसेस होता है। और आपको इसका जो आंसर है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो बताया है, इसका आंसर यही है कि जी हाँ, आपको जब भी आप रूट कैनाल कराते हैं दांत को, तो आपको कैप डेंटल क्राउन जाना होता है, मैंडेटरी होता है, आप वो लगवा लीजिए। अगर आप ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको लगवा लीजिए, पर आप दांतों के ऊपर कैप लगवा लीजिए, इससे आपका जो दांत है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा और सेफ रहेगा। तो इससे आपका जो दांत है वो लंबे टाइम तक भी चलता है। आपको जो कैप है, जैसे ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कैप लगवा लिया दांत के ऊपर तो आपको ब्रश नहीं करना है वहाँ पे, या फिर आप उस दांत में आपको क्लीन नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मल दांत को क्लीन करते हैं वैसे ही आपको कैप को भी क्लीन करना है, तीनों साइड से आपको क्लीन करना है, टंग के साइड से, चीक के साइड से, और आपका जो चिविंग सरफेस है वहाँ से भी आपको क्लीन करना है दांत को। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डेंटल क्राउन लगवा लिया तो फिर आपको क्लीन नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मल दांत क्लीन करते हैं वैसे ही आपको क्लीन करना है। ओरल हाइजीन आपको सही से मेंटेन रखना है। जो कैप होते हैं वो काफ़ी, मतलब बहुत सारे होते हैं, वेराइटीज तो बहुत सारी होती हैं, ऑप्शन आपके ऊपर है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस कैप में जा सकते हैं। कैप जो होता है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दांत को देता है, ताकि आपका जो दांत है वो लंबे समय तक भी चले। और अगर आपका दांत, अगर कैविटी है तो समझ में आता है कि आपका दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो आपको ऊपर का जो पोर्शन है ऑलरेडी कीड़े ने उसको ब्रिटल कर दिया है, अंदर से उसने खोखला किया है, तो आपको रूट कैनाल करने के बाद उसको पूरा बिल्डअप करके, सीमेंट से बिल्डअप करके और उसमें कैप लगवा लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो ऊपर का जो पोर्शन है, क्राउन पोर्शन है, वो बच जाएगा। और अगर सपोज आपका दांत फ्रैक्चर हो गया है, डैट मीन्स कि अगर आप फ्रैक्चर तभी होता है जब कैल्शियम की कमी रहेगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं या फिर हार्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो उस केस में जो सोडा होता है वो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और दांत को ब्रिटल कर बना देता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा, आपको ब्रक्सिज्म का प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप सो रहे हैं दांत में और रात में अगर आप सो रहे हैं और अनकॉन्शियसली आप दांत को ग्राइंड कर रहे हैं, बहुत लोगों का ये हैबिट होता है कि वो नींद में मुंह चलाते हैं, दांत को चबाते हैं, तो ये ब्रक्सिज्म होता है। अगर ब्रक्सिज्म इशू है तो भी आपको जो दांत है वो फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है, तो उस केस में भी आपको जो कैप है वो जाना चाहिए। ब्रक्सिज्म वालों के लिए स्पेशली ये ब्रक्सिज जो क्राउन्स होते हैं वो आया है, आप ब्रक्सिज क्राउन्स में भी आप जा सकते हैं, इससे भी आपका जो दांत है वो बच जाता है। और अगर मेरे आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।